तो फाइनली दोस्तों, अभी हमारे पास एक फ़ोन आया है रेडमी का, और ये है रेडमी 8 मॉडल। और इसमें रेडमी 8 हो या फिर रेडमी 8A हो, उसमें क्या एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन सा आता है। यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं कहीं कॉल लगा रहा हूँ, ये देखिए कॉल एंड, मतलब आप जितनी बार मर्जी ट्राई कर लीजिए, जब भी आप कॉल करेंगे तो यहाँ पर कॉल एंड का ऑप्शन आएगा, ये देखिए कॉल एंड। और आप चाहे जितना मर्जी ट्राई कर लीजिए, यही प्रॉब्लम आता है। ये खास तौर पर रेडमी 8 और रेडमी 8A में सबसे ज़्यादा आता है। अब ऐसे में आपने सोल्यूशन ढूंढने के लिए आपने क्या किया है, पूरा सेटिंग चेक कर लिया, फ़ोन को रीसेट कर लिया, फ़ोन को फ्लैश कर दिया, उसके बाद से आपने WTR भी चेंज कर दिया, 4G PA भी चेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी ये कॉल इंड का प्रॉब्लम नहीं जा रहा है। इसके अलावा अगर आप नेट चलाने की कोशिश करोगे, मतलब आप गूगल वगैरह सब, यूट्यूब वगैरह चलाओगे, तो प्रॉपर यूट्यूब वगैरह सब कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर आप चाहोगे इसमें कुछ करने के लिए, देखिए जैसे मैं कुछ भी सर्च कर रहा हूँ तो हमारा नेट प्रॉपर चल रहा है, नेट में दिक्कत नहीं है। देखिए सर्च हो गया, मतलब नेट चल रहा है, लेकिन हमारा बार बार कॉल इंड हो रहा है। तो ऐसे में इसको सोल्यूशन क्या है, क्योंकि आपने सब कुछ कर लिया। अभी जो मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्प्रोरी सोल्यूशन है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने एक कोड टाइप किया, *#*#4636#*#*#, ऐसा टाइप करेंगे तो यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट खुलेगा। इसमें दो आ रहा है, SIM1 SIM2, मतलब इसमें दोनों है, आपको SIM1 और SIM2 दोनों में एक सेटिंग करना है। क्या सेटिंग करना है, रेडियो पावर देखिए यहाँ पे ऑफ दिखा रहा है, इसको ऑन करना है। यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको LTE ओनली पे क्लिक कर देना, बस बैक जाना है। फिर इसमें भी वही कंडीशन करना है, रेडियो पावर ऑन, LTE, बस इतना कर दीजिए, अब आपका फ़ोन लगने लगेगा। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, ये फ़ोन अभी लगेगा, लेकिन गलती से अगर सिम निकाले, चाहे फ़ोन को स्विच ऑफ किए, तो फिर से आपको ये दोबारा करना पड़ेगा। मतलब कि अभी देखिए मैं फ़ोन लगाता हूँ, देखिए फ़ोन लग गया। और वहीं अगर मैं इसको सिम को निकाल दूंगा तो ये कंडीशन फिर से वैसी हो जाएगी, या फिर मैं फ़ोन को स्विच ऑफ कर दूंगा तो फिर से वही कंडीशन पे चला जाएगा। तो फिर से आपको वही प्रोसेस दोहराना पड़ेगा, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो मैंने इस प्रॉब्लम का सलूशन आपको ये इसलिए बताया, ये रेडमी का ही सिर्फ फ़ोन में नहीं आता है, हो सकता है अदर फ़ोन में भी आए, बट रेडमी के फ़ोनों में ये सोल्यूशन काम करता है, बाकी फ़ोनों में भी हो सकता है काम करेगा, मैंने ट्राई नहीं किया, बट रेडमी के सारे फ़ोनों में ये काम करता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये रेडमी 8 और 8A में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, और रेडमी के अदर फ़ोन जो है उसमें भी ये प्रॉब्लम आती है, बट यहाँ पे इसमें मैंने सोल्यूशन देखा तो हमारा काम बन गया। और एक चीज़ और है, रेडमी के जितने भी फ़ोन हैं उनमें ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन रेडमी 8 और 8A में सबसे ज़्यादा आती है। अभी मैं स्विच ऑफ करके चालू किया, फिर से वो प्रॉब्लम फिर से बन जाएगी, और जैसे ही इसको फिर से मैं वो कंडीशन जो आपको पहले दिखाया वो करूँगा, फिर से सही हो जाएगा। तो मतलब कस्टमर को आपको अगर बना के आप दिए, आपने WTR, 4G PA, 2G PA, और इसके अलावा आपने जितनी भी तरह की सोल्यूशन थी आपने सब कुछ करके देख लिया, फ्लैशिंग भी कर दिए, क्योंकि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ ये सब कुछ करके मैं देखा हूँ बाकायदा, सब कुछ करने के बाद भी ये फ़ोन चालू नहीं हुआ, तब जाके ये सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो सब कुछ आपने किया, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन फिर भी आपका फ़ोन वही कंडीशन में है, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर से सब कुछ करके थक गए, आपका फ़ोन सही नहीं हुआ, तब जाके ये सोल्यूशन आपको अपनाना है और इस तरह से करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, कस्टमर को जब आप दीजिए तो ये कोड बता के, और आपको ये भी बता देना है कि कैसे कैसे आपको किस कंडीशन में ये बंद होगा। अभी देखेंगे आप, तो मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ किया था तो शायद से ये फिर से कॉल इंड आने लगे, कंफर्म नहीं है बट शायद आ जाए कॉल इंड। ये देख सकते हो ऊपर नेटवर्क भी चला गया, यहाँ पे देखिए नेटवर्क चला गया, बट ये नेटवर्क गया नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी मैं कॉल कट किया हूँ, अभी फिर आ जाएगा नेटवर्क, और ये दोबारा जब आएगा तो फिर से अब दोबारा नहीं जाएगा नेटवर्क। चलिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ये देखिए नेटवर्क आ गया, थोड़ा देर हमने वेट किया, नेटवर्क आ गया है। अब देखिए फिर से हम वही चीज़ को अपना रहे हैं, देखिए कॉल इंड, फिर से सेम प्रॉब्लम। अब आपको फिर से वही करना है, *#*#4636#*#*#, फिर से वही रेडियो पावर ऑन, इसको LTE करना है। अभी चलाओगे ये दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन एक बार स्विच ऑफ किए या फिर सिम निकाले तो ये प्रॉब्लम। अभी हमने ऐसा कर दिया, अब हमारा नेट भी चलेगा, ना टावर भागेगा, ना आपको कोई प्रॉब्लम आएगा। अभी नेटवर्क भागा था, और अभी आप देखिए यहाँ पे हमारा नेटवर्क आ चुका है, और अभी कॉल लगेगा, 100% लगेगा, देख सकते हैं आप लोग कॉल लग गया। तो यही था सोल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।